भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और स्क्रीन राइटर महेश भट्ट का आज जन्मदिन है। इनके शुरुआती निर्देशन करियर के दौरान उन्होंने कई बहुप्रशंसित फिल्में दी हैं, जैसे अर्थ, सारांश, जन्म, नाम, सड़क, जख्म। महेश अब ज्यादातर फिल्मों में निर्माता और लेखक की भूमिका निभाते हैं और बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने वाली फिल्मों में काम करते हैं, जैसे जिस्म, मर्डर, वो लम्हे। उनके प्रोडक्शन विशेष फिल्मों की ये खासियत है कि उनके बैनर तले बनी फिल्मों के गाने सुपरहिट होते हैं और उनका संगीत अन्य से काफी अलग और सुनने में अच्छा लगता है, हमेशा नए टैलेंट को बढ़ावा देते हैं। पृष्ठभूमि, महेश का जन्म मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नाना भाई भट्ट और माँ का नाम शिरीन मोहम्मद अली है। महेश के पिता गुजराती ब्राह्मण थे और उनकी माँ गुजराती शिया मुस्लिम थी। उनके भाई मुकेश भट्ट भी भारतीय फिल्म निर्माता हैं। पढ़ाई, महेश की स्कूली पढ़ाई डॉन बोस्को हाई स्कूल माटुंगा से हुई थी। स्कूल के दौरान ही उन्होंने पैसा कमाने के लिए समर जॉब्स शुरू कर दी थी। उन्होंने प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट्स भी बनाए। शादी उन्होंने किरण भट्ट, लॉरेन ब्राइट से शादी की थी, जिनसे उनकी मुलाकात स्कूल के दौरान ही हुई थी। इनके दो बच्चे हैं, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट। उनके किरण के साथ रोमांस से ही प्रेरित होकर उन्होंने फिल्म आशिकी बनाई, लेकिन शुरुआती करियर में आई परेशानियों और परवीन बॉबी से चले उनके अफेयर की वजह से यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। बाद में महेश एक ट्रेस सोनी राजदान के प्यार में पड़ गए और उनसे शादी कर ली। इनके भी दो बच्चे हैं, शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट। करियर, 26 साल की उम्र में महेश ने निर्देशक के तौर पर फिल्म अंजलि और भी हैं से अपना डेब्यू किया। इसके बाद 1979 में आई लहू के दो रंग, जिसमें शबाना आजमी और विनोद खन्ना मुख्य भूमिका में थे। इसने 1980 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में दो पुरस्कार जीते। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर प्रदर्शन किया। महेश की पहली बड़ी हिट फिल्म अर्थ थी। इसके बाद इनकी जानम और नाम को भी काफी पसंद किया गया। ऐसा कहा जाता है कि इन फिल्मों से उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को पर्दे पर उतारने की कोशिश की। फिल्म सारांश को भी लोगों ने काफी पसंद किया और अनुपम खेर के जीवन की भी यह हम फिल्म रही। सारांश को 14वें मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी एंट्री मिली थी। 1987 में वे निर्माता बन गए जब उन्होंने अपने भाई मुकेश भट्ट के साथ मिलकर विशेष फिल्म नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वे जाने माने निर्देशक बन गए जब इन्होंने डैडी, आवारगी, आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, सड़क, गुमराह जैसी फिल्में का निर्माण किया। भट्ट के अन्य प्रोफेशनल काम, वे मुकेश भट्ट के साथ फिल्म प्रोडक्शन हाउस विशेष फिल्म्स के सह मालिक हैं। महेश यूएस नानप प्रॉपर्टी चेयर्स के सलाहकार मंडल के सदस्य भी हैं। प्रसिद्ध फिल्में मंजिले और भी हैं, लहू के दो रंग, अर्थ, सारांश, नाम, कब्जा, डैडी, आवारगी, जुर्म, आशिकी, स्वयं, सर, हम है राही प्यार के, क्रिमिनल, दस्तक, तमन्ना, डुप्लीकेट, जख्म, कारतूस, संघर्ष, राज, मर्डर, रोग, जहर, कलयुग, गैंगस्टर, वो लम्हे, तुम मिले, जिस्म दो, मर्डर 3 आदि।